जय जगन्नाथ मो प्रिय ओडिया भाई भणी मैंने दर्शक बंधु आप निश्चित भाव अनुभव भाई एंड वर्षा मैम मूवी बाळुंगा टोका तो निहत भाव देखी थे और बहुत ही सक्सेसफुल होता प्रत्येक ओडिया मैंने निहत भाव जानते हैं कि बाळुंगा टोका कौ लेवल सक्सेसफुल होता सुधाकर बसंत सर डायरेक्शन स्क्रीन प्ले तो आज भिडियो में आपको एक्सप्लेन कराऊँगी बाळुंगा टोका पूरा टोटल फिल्म टाक आज आम समराइज करवा तो देखो भिडियोटा स्टे ट्यून तो चलते भिडियो को स्टार्ट करवा तो प्रथम बाळुंगा टोका मुवीटा स्टार्ट होगी बाळुंगा दल मैंने कौन कर जनक घर मैंने गंजा चोरी कर खाई बहुत सारा कांड मैंने कर चोरी करते कहार कौन ना कौन कर तो बाळुंगा टोका सरदार हेल्ले अनुभव भाई कितु भाई ये पप्पू बम सर को आम देखा पाचे तो स्टार्ट हो पूरा कॉलोनी सारा लोक मैंने रागिक अच्छा बाळुंगा टोका बदला ने तो बाळुंगा मैंने मैंने दौड़ी दौड़ी जाऊँच अनुभव भाई रास्त देखाऊँच अनुभव भाई जनकर मैंने देखुं मैंने कांथर कांथर मैंने कणार देखुं किसी आपने जानते हैं मुवीटा देखते तो सही टाइम अनुभव भाई पाखे मैंने आसिक पहुंचा अनुभव भाई से टाइम इंट्रोडक्शन होगी अनुभव महांती आज बाळुंगा टोका तो सही टाइम इंट्रोडक्शन होची बाळुंगा टोका गीत बाजुची मैंने समस्ते बाळुंगा टोका अरे तू परा बाळुंगा टोका ये जो गीतटा बाजला बहुत जिनस देखाला बहुत ही मानते कमेडी बहुत चलता कहते स्टार्ट है रियल कहानी परीक्षा रिजल्ट बाहर परीक्षा रिजल्ट प्रत्येक सांग सब सांग पर्फॉर्म हूँ जी भी हूँ समस्ते मैंने पास होती कि अनुभव भाई फेल होती बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर मैंने फाइनाल इयर अच्छा कि भाई पास कर पार ना कि भाई कौन करा बापा बहुत रागुच्च सब सांग मैंने पास गले कि सी पास हो पारे खाइला टाइम घर बस खाइला टाइम बापा बहुत रागुच्च बाड़ कौन तू एत बड़ हेलुँ कि मुझे ये घटू तो किसी मुझे किसी मुझ तो कमी रखनी तेज पैसा भी दूसरी तेज पिंधे खाई दूसरी सब दूसरे कि तथा तू कहीं करूँ तो बी कम कहीं से फेल हो तो सहीटा जाणी बहुत ही दुख लगेगा घर तक समस्ते बाड़ घर बापा बाड़ बाड़े टाइम बापा बहुत ही विरक्त हो समस्त बाड़े टाइम अनुभव भाई बापा हाथ उठे दूसरे तो सही टाइम मीन केतन सर बापा बहुत ही मैंने रागिगले कि तू तो बापा हाथ उठे दिल्ली अनुभव भाई बाहर घर छाड़ी के पलिए घर छाड़ी के बाहर को मैंने घर छाड़ी जावाई बाहर बेलू तो बहुत रोकदे कह रागुजु कौन एमती खराब भाव ठीक नुह से तो बापा सी सदा तोर भल चाहती तो टाइम से ही टाइम कहला ना अनुभव भाई रागिक छात उपरू पड़े छात पर सांग मैंने अपेक्षा करते मद पी से फेर टूल होड़े तो सही टाइम आउ गोटे नुआ अतिथि आसा भड़ाटी आस फ्लाट्रे ए सिक्स नंबर बिल्डिंग को आसान तो फ्लाटा उपर थी सी उपर फ्लाट रहा तौ फ्लाट्रे से रोते मैंने जी मैंने किए आसान आपण मैं तो आगे कहि तो खाला मैंने ये जो घटना सब है तो अनुभव भाई शोक उठिले शोक उठिला टाइम जिते अनुभव भाई आखि खोल क्या देखे तो आखि खोल खोल का देखे वर्षा मैम पाठ पढ़ुंट तो सी सांग पचारा अरे ये के आसे से कल रात गोटे गाड़ा आसाला ना तो बोधे सी बोधे नुआ भड़ाटे ये नुआ आसिक रही ए सिक्स रही तो ए सिक्स कथ से जान ना आगे को जान लें ए सिक्स कथ कौन तो भाई तापर कौन है ना अनुभव भाई देखे वर्षा मैम को देखे अनुभव भाई ठिया ही पड़ते मैंने बिना लुंगी पिंधा तो रात शो पड़ते ठिया ही पड़ते तो ठिया ही पड़ते तो ठिया टाइम से मैंने वर्षा मैम अनुच्छे छी अभद्र तपर अनुभव भाई फेर बस पड़ते लुंगी मैंने सांग मांगे लुंगी पिंधिक चलते भाई सीन आस मद पी कर छात भी टूटे जहाँ है नेक्स्ट डे वर्षा मैम घर को मैंने अनुभव भाई मामा अनुभव भाई मामा आसिक चा दे कि मैंने जलखिया कौन दे तो अनुभव भाई मामा घर जाते वर्षा मैम घर घर है ए सिक्स तो आसते कह जाए आपको देखेदेवी मैंने ये इंट्रोडक्शन देदेवी आपने सब देखिपर जहाँ भी अच्छी दुकान बजार सब आपको देखेदेवी तो देखे वर्षा मैम घर को जो जाते मामा कौन कहला वर्षा मैम कहे यहाँ नहीं चा नहीं सब फोपाड़ दे सब सफा करकेदेव है ये जो कथाटा कहले भाई मुझे ये कि कथ अजब कथा तर भाई वर्षा मैम को ना है प्रीति एतरे वर्षा मैम को ना है प्रीति एंड मैंने ना है मानते चिंकू बोधे ना ना अच्छा अच्छा अनुभव भाई ना चिकू ठीक अच्छे अनुभव भाई ना चिकू आ वर्षा मैम को ना है प्रीति तो आगे कौन हो चलतु जाना तो भाई कह तो यहाँ है तो भाई कौन हो मैंने बस स्टाण्रे अनुभव भाई सदाल देखु था बस स्टाण्रे अनुभव भाई सदाल देखु था भाव था मैंने मन मन ही मनोरइजर खो रही था मैंने मैंने विषय में भाव भी सी ही भाव जे ये दिने मैंने जीवन संगीनी हम जीवन साथी हम तो कमी केमी सब भावना से मैंने मन में भावता डे ड्रीमिंग करवा स्वप्न देखु था तो से ही समय भाई वर्षा मैम आसता मैंने बस स्टाण को आसता बापा स्कूटर छाड़क आसता तो से ही टाइम भाई अनुभव भाई अनुता आउ किसी सांग भी लट्टू होते आउ किसी सांग भी चाहूँ तो से ही टाइम भाई से जाने गोटे इंग्लीश फिल्म देखापी इंग्लीश फिल्म देखला टाइम कहले कि भाई गले कौन देखापी इंग्लीश फिल्म देखा गले कहे मैंने सलमान सर के सलमान भाई रेडी फिल्म देखा कारण मुझे से ढिंका जी का जो गीत बाजा तो सही टाइम जाना पाली तो फिल्म देखा गले फिल्म देखा टाइम संबित भाई आस संबित भाई ना लकी तो संबित भाई मेन भिलेन अच्छा संबित भाई
आ वर्षा मैम निर्बंध बोध सरी आहर हाँ जाऊँगी निर्बंध अलरेडी सर प्रीति एंड लकी निर्बंध अलरेडी सरी बाहर जाऊँ संबित सर आज कार नहीं कि संबित सर पाए बहुत पैसा तो सी कार नहीं आसने बहुत पावर भी बहुत तो सी मैंने गाड़ी नहीं कि आस भाई मैंने वर्षा मैम फिल्म देखा जाऊँचर हल भितर मैंने ये अनुभव भाई जो सांग जो थे अनुभव भाई और सांग मिसी जाइए हल खाली डिस्टर्बेंस कले चिलेले नाचिले गाइले मैंने एमती सेमती खाली कम कले मैंने अनुभव भाई वर्षा मैम को ये डिस्टर्ब कले आउर खाली मैंने संबित भाई जो बस देखते फिल्म को ये डिस्टर्ब कले से मैंने ठिया है कि मैंने रागिगले अनुभव भाई कौन कले मैंने मैंने आर्गुमेंट होगा अनुभव भाई एंड संबित भाई भितर से जो झिका झिका गीत एत से नाचिले मैंने कह कह कहने मैंने पूरा मैंने समस्त ही मैंने डिस्टर्ब ही करदे पूरा हल सारा लोक डिस्टर्ब करदे संबित भाई और अनुभव भाई आर्गुमेंट भी है आर्गुमेंट है आर्गुमेंट कला ना तुम सी कहे कि अभद्र लोकटा ये सी कौन कथा होगा संबित भाई सांग कहीदे अनुभव भाई सांग कहे तो मारवाड़ी होगा तो संबित भाई को अनुभव भाई सब सांग मिसिक बाड़े पूरा निर्धूम बाड़े हल वाला कहे संबित भाई को तुम एटू पढ़ा अनुभव भाई रोहे तुम्हें एटू पढ़ा तुम्हें डिस्टर्बेंस कर रोच तुम्हें एटू पढ़ा तुम्हें गले सब शांत हो कहे रह तो ना पुलिस केस कर रह रह एफआईआर दौर तो ना तो संबित को हल रु काटदे अनुभव भाई रागिक आसले कौन कले कह कौन कले अनुभव भाई गोटे कॉइनटा धरते से कॉइन सब गाड़ी में सब गार पक पक जाते मैंने सब स्क्रैच करके जाते स्क्रैच करले स्क्रैच करूँ था देखे वर्षा मैम बस मैंने संबित सर गाड़ी पछाड़े तो गाड़ी में बसते तो देखला पर सी बहुत रागिगले रागी जाइए कौन गाला गाड़ी पूरा घसी दे पूरा पूरा कॉइनटा को पूरा घसिक मैंने गाड़ी स्क्रैच करदे तो सही टाइम धड़ा काट था तो सी घसीदे कार छेप पकड़े एत सब मिसबिहेवियर कले कला पर जाकि गले तो वर्षा वर्षा मैम कहले संबित सर तय मैंने लड़े करते आर्गुमेंट करते तो मैंने कहले वर्षा मैम कहले कूकर आमको जब कमड़े आम को कूकर को कमड़िया तो यही जिनसा कहे अनुभव भाई टे खराब लगेगा अनुभव भाई यही रागटा से सुझेले जो कार है ना कि कहले मैंने अपदस्थ कले कहले से सुझेले अनुभव भाई गाड़ी तो स्क्रैच कले वर्षा मैम नेक्स्ट डे को वर्षा मैम हाउस ओनर को कंप्लेन कर मैंने एठारे लुंगी पिंधिक रात शौं असंजत अवस्था शौं तो मैंने यहाँ किसी भल हो तो सी कंप्लेन करते ये कमेडी है भाई आगे जावा अनुभव भाई मैंने मैंने अनुभव भाई खेल अनुभव भाई क्रिकेट खेल तो वर्षा मैम जो भाई अच्छे गोटे छोट भाई टी अच्छी सी अनुभव भाई तो ग्यांग सहित क्रिकेट खेल को चाहूँ कि भाई एम खेलिया ही दौना तो भाई एम खेल दौना कारण कौन कहीं सी मैंने वर्षा मैम भाई तो भाई सी आसला कहे मुझ खेल क्रिकेट तो एम कहे अनुभव भाई कहे किए गोटे गार्डियन नहीं कि आसे सी जानते ये भाई बोली ठीक अच्छे तो सी मैंने जानते भाई वर्षा मैम भाई ये छोट पिलाटा बोली तो सी जानते कहे तोर किए गोटे गार्डियन नहीं क्या भाई नहीं क्या भाई तो नहीं सी जानते अलरेडी कहे बापा को नहीं आसवि ना ना बापा को नहीं से कहे भौणी को नहीं क्या हाँ भौणी की नहीं आसला अपा को नहीं आसला दीदी की नहीं आसला तो भाई तापर जो देखा कले सी कहे ना ये खेली पार्वनी अनुभव भाई बैटिंग करेंगे ट्राए कले बैटिंग कले कहे कौ कमेडी मैंने अलग लेवल मैंने पप्पू मोमम सर तर अनुभव भाई कि कमेडी भाई अलग लेवल कमेडी भाई कौन कह सी बाड़े बोली गोटे सर्ट मारे बोली कितने कौन बाहाना कितने कौन बाहाना लास्ट को मैंने गले डिस्कसन कले पप्पू मोमम सर अनुभव भाई डिस्कस कले कौन गोटे करा सीटा गोटे एमती 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 कौन मैंने इंग्लीश कही चाहिए बकी चाहिए तर किसी किसी है भाई तू मारे संध्या है मारे जल्दी सर्ट मारे आम घर को जी भाई सी गोटे बैट उठेले बॉल पड़ा आगे तो बैट उल्टा धरते बैटा सीधा धरले बॉल पड़ा सी आउट वर्षा मैम से हसीदे तो ये रागिगले कह तो भाई ये खेल पार्वनी आम कौन देखा पाँच वर्षा मैम खेल क्रिकेट गली क्रिकेट खेल पिला सहित मिसिक वर्षा मैम क्रिकेट खेल तो सही टाइम अनुभव भाई देखिए ब्लश कर तो बहुत ही मानते बहुत ही प्यारा सा मुमेंट था आप जो देखिए भाई भाजपे मुमेंट है भाई मुमेंट है बहुत ही बढ़िया मुमेंट था ओडिया फिल्म लवर्स मैंने बहुत ही एंजय करते सही टाइम जो फिल्मटा आसाला कौ लेवल था स्क्रीन प्ले सुधाकर प्रसन्न सर कौन कर भाई नेक्स्ट लेवल डायरेक्शन नेक्स्ट लेवल स्क्रीन प्ले कौन था भाई तो अनुभव भाई घर मैंने मैंने वर्षा मैम आसपर नेक्स्ट टाइम अनुभव भाई घर को वर्षा मैम आसते जो चा कप चार जो से जो थर्मोप्लास्टा जो ना कि फेरा आसते जो मुझे कहती जो चार जो थर्मोप्लास्टा से जो देखते चा नहीं अनुभव भाई मामा जो नुआ नुआ आसते घर को जो नहीं आसते सैटा फेरा आसते फेरा आसते ड्राइवर मैंने कितने साथ पचारे आप बापा कौन करते सी कहे बापा बिजनेस करती और सी एम सी थर्ड इयर करते तो सही टाइम अनुभव भाई भौणी पचारे कि आप एम सी करते आप तो मैथ तो भल हो तो मत ट्यूशन देते तो ट्यूशन देखा सी मैंने गोटे पचारे तो सही टाइम पचारे अनुभव भाई बापा कहे मो पु तो मैंने कूलांगार ना या तो या मत मत पढ़े कि मतलब समय आसूनी कि मो पु तो मैंने कूलांगार या तो किसी आसूनी बिकम्रे गोटे पास हो पारे फाइनाल इयर अच्छे कि पास कर पार्टी सात मार्क भी रखी पारे तो भाई कौन करा तो सही टाइम वर्षा मैम आगे या बदनाम होगा ये टे रागिगले
बापा घर जाए कहले माय फादर इज माय एटीएम तांग साइड लिखल तो सेटा में टिके तांग ट्रोल कर देले मीनकेतन सर तापर छात्र छात्र ऊपर फेर पड़ेले मदपियागु छात्र ऊपर गलाने माने भाई वर्षा मैम सेटी बसके ट्यूशन कोछन पिलागु तापर ईएमसी ट्यूशन कोछन तापर अनुभव भाई कोन कहले से ट्राई करले डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगु किन डिस्टर्बेंस करले 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 किछि हेलानी जो ट्यूशन जो होला सब पिलाने पाठ पढ़ी गलो अनुभव भाई सेटी सोई पड़ले रास्ता माने से छात्र ऊपर ही सेटी सोई पड़ले डिस्टर्बेंस करि किछि लाभ हेलानी। नेक्स्ट डे इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे रे माने 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 खाली डिस्टर्बेंस करे आसन त अपने गीत गाइले अन्य भाई को भौणी कले जो भाई बहुत ही भलो गीत गाए तब भलो गीत गाए तो माने से जो कॉमेडी कले तब जो गीत गाए जो कॉमेडी कले माने जो अलग लेवल कॉमेडी माने ये जो माने पप्पू मम सर तब अन्य भाई मिसिंग सब कॉमेडी कले वर्षा मैम जो नाचे बसले डांस टाइम ये माने भी अलग गीत बजे से टाइम भी कॉमेडी है कॉमेडी 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 पूरा भरपूर अलग लेवल ल कॉमेडी पूरा इंडिपेंडेंस डे अन्य भाई गीत गाइले तब ये कॉमेडी है वर्षा मैम डांस कले तब से भी कॉमेडी करदे तब फिल्म चलला कॉलोनी रे तो नेक्स्ट डे कौन है ना कॉलोनी फिल्म चलला वर्षा मैम अनुभव भाई मैंने भौणी साइड रे बसते तो साइड रे बसले अनुभव भाई तो सी अनुभव भाई भौणी टिके समय पलिते बाहर को तो से टाइम वर्षा मैम अनुभव भाई मैंने बेकर मैंने हाथ देते मैं कह गल कुंडे मैंने जो मैंने कौन कहते हग कर मैंने हाथ पक जो देखते फिल्म ना तो से टाइम मैंने से बसिक देखुते तो सीटे देखे भाई अनुभव भाई साइड बस पूरा आश्चर्य हो गले मैंने घर पड़े मैंने सीटे भल लगे बोलते मैंने अकवर्ड लगे तो सीपे से घर पड़े तो घर जाए से भाविले कौन अनुभव भाई तो पूरा मैंने मस्कुल पूरा दिवा स्वप्न मैंने यहाँ तो राति रात्रि स्वप्न कहपर तो से राति स्वप्न देखिले आ बस भाविले कौन है भाई कौन है मैं यहाँ इमाजिन भी करी तो एनसटा मैंने से भाविले से घर को गले घर जाए बस सोलह टाइम बस भाविले 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 भावुले बस पूरा भावन मस्कुल पूरा पूरा भावन डूबी जाइए पूरा मैंने मन राइजर से मैंने डूबी जाइए पूरा तो ये जिनसा है वर्षा भूल अनुभव पाखे बसि पड़ते यहाँ जहाँ है राति सारा मैंने से विषय भाविकी अनुभव भाई पूरा रात निद हलानी मैंने स्वप्न में भी से जिन भाविले तापर गीत बाजला अरे रे रे मोर निद हजिगला जो गीत बाजला प्रेम होगा निद हजिगला प्रेम होगा से गीतटा बाजला अनुभव एवं मैंने कहीगले आउ गोटे पिलार वर्षापाई मारपीट होगा मैंने बस स्टाण्रे वर्षा मैम जाऊँ तक बापा सहित स्कूटर जाऊँ तो से टाइम अनुभव भाई एंड आउ गोटे पिलार मारपीट होगा से पिलाटा कहला मत तो वर्षा भल लगुला कि मो तू आसला सकाश तू तोर सकाश ये मत भल पाने तो वर्षा टी अनदे अनुभव भाई को टी अनदे तो से टाइम या झगड़ा होगा ये मैंने पूरा मारपीट होगा अलग लेवल मारपीट होगा मैंने से टाइम धस्तधस्ती होगा लोक मैंने जगिक रखिले बस स्टाण्रे मारपीट अनुभव भाई को मैंने छात उपर को मैंने जो जहाँ है मैंने ये सिचुएसन जहाँ आप देखते जो इवेंट्स जहाँ कौन आउलापर अनुभव भाई छात उपर को गले डेली पढ़ापी अनुभव भाई भितर पूरा चेंजेस होगा अनुभव भाई रात मैंने भाविले कहे वर्षा मैम को पठेदेवे तो गले अनुभव भाई छात उपर गले पढ़ापी तो पढ़ापी छात उपर गले मैंने जहाँ जैसे कर ना बो भाविले भाई कौन है सूर्य कौ दिगर भाई उइंची मैंने छात उपर जाने अनुभव भाई पाठ पढ़ा कि पाठ ना गंध नाला से मैंने छात उपर जा पाठ पढ़ापी अनुभव भाई भौणी हाथ लव लेटर पठाइले वर्षा मैम को तो वर्षा मैम से पढ़ले पढ़ी से जान सकते अनुभव भाई इरादा कौन तो इरादा नेक नहीं है यहाँ से जान सकते यहाँ जान ला बस वर्षा गठ रिप्लाय पाइबापी अनुभव भाई आसते तो बस टाइम ब्रेक मारदेला ब्रेक मारा टाइम सी कह हाथा मैंने पड़गला कांध उपर हाथा पड़गला हाथा मैम कांध उपर बाजिगला वर्षा मैम को लगे ये मो मिसबिहेव करुच्चे तो सी बहुत बाड़े इतने बाड़े लोक नहीं बाड़े कि गोटे झीटा सागे मिसबिहेव करुच्चे तो बहुत बाड़े कितु अनुभव भाई कौन पर आसते आप आगे जानवे कि कौन पर आसते इंटेनसन कौन थी तो से टाइम आगे एमती बाड़ेला पुलिस दे दूसरी बस वर्षा गोटे रिप्लाय पाइबापी आसते कि बस बस टाइम ब्रेक मारा हाथा कांध उपर पड़गला तो ये जिनसा है जो मैंने सी बहुत दुख लगेगा मैंने कौन हवाऊला कौन है कौन तो अनुभव ना वर्षा केस करा जाते कि केस कले कहीं पप्पू मैम सर कहे कि जदि आप बापा भारी स्वाभिमानी से सुसाइड करदे आमती कले बहुत ही बदनाम हो तो से करूँ नहीं तार क्यारिययर छारखार हो तो प्लीज आप करूँ केसटा अनुभव भाई केस कले केसटा न करके अनुभव भाई को मैंने बेल मिलगला अनुभव भाई को जेल हलानी अनुभव भाई को मैंने पुलिस स्टेशन छड़गला अनुभव भाई आसिले हेरी भाई कहगले मैंने से नोट मैंने से बुझी जाते मैंने अनुभव भाई आज पड़ेन से बुझी जाते गोटे फंक्शन है से फंक्शन में समस्त थे मैंने जो लोक मैंने बाड़ी थे अनुभव भाई को सही टाइम से मजा थटा मजा उड़ाऊ पप्पू मम सर आगे तो पप्पू मम सर कहे जदि तू मो सांग तू गीत गायबू तो से टाइम गाँव गीत मैंने अनुभव भाई से टाइम गीत गाँव बहुत ही मैंने प्यारा सा गीत थी मैंने कह बहुत ही मैंने कांदमाड़ी आपत कह गले मैंने दुखर से गीत गाइंस
ତାପରେ ଭାଇ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ସମ୍ବିତ ସମ୍ବିତ ସାର୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସିଏ ଯିଏକି ଭିଲିଆନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକି, ତ ସିଏ କହିଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଭବକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଚିକୁକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ସିଏ ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ, ଲକି ଭିକିକୁ କଲ୍ କଲା ନା କ'ଣ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା, ତାପରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଘରକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ସମ୍ବିତ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ବର୍ଷାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ଇନ୍ ସଡ଼ନ୍ ଆମେ ଅନୁଭବ ଆସିଲା, ଅନୁଭବ ଆଗେଠି ହେଲେ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିକି ସେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନିଜ କାମ ଟ୍ରାଏ କଲା। ତ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲା, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଲରେ ତାଙ୍କର ପପି ଦେଇଦେଲା, ମାନେ କହିଲେ କିସ୍ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ କଲେ, ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତି ସହିତ ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁ କଲା, ସେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କାହିଁ କଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତ ଇନ୍ ସ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାନେ ସେ ଏମିତି ହେଲା ଯେଉଁ ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ତମର ମାନେ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ, ତମର ଇଏ ସିଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶ, ୟା ସାଙ୍ଗେ ତମର ତମେ ୟାକୁ ହିଁ ଡିଜର୍ଭ କରେ। ତ ଏଇଟା କହିଦେଇକି ଅନୁଭବ ଭାଇ ପଳେଇଲେ ସେଠୁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ମଦ ପିଇଦେଇଥିଲେ ବା କ'ଣ ହେଲା, ଅନୁଭବ ଭାଇ ରାଗିକି ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ହେଲା ସେଠି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ନେକ୍ସଟ ଡେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଲେ ଆଗ, ସେ ସମ୍ବିତ ଭାଇକୁ ମାନେ ସେ ଆଗ ବୁଝା ବୁଝା କଲେ ଯେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସମ୍ବିତ କହିଲା କି ମାନେ ସମ୍ବିତ ଭାଇ କହିଲେ କି ୟାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ଇଏ ଫେରେ ସେଇ କାମ କରିବ, ଇଏ ଫେରେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ତ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ଉଠେଇଲା ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ ସିନ୍। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍, ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍। ତ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା, ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ଭାଇ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବୁଝେଇଲେ କି କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରୁହ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେମ, ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ହାଏ ରେ ହାଏ ହାଏ ରେ ହାଏ ତୋ ଇଷ୍କ ମତେ ଟଡ଼ପା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୀତଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ତ କହିଲେ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାର ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଧୂଳିସାତ କରିସାରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇ। ତ ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଜଳି ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କାଲି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ତ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲେ କି ଆମ ଘରେ ଇଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଯେ ଉପାସ ଗଲେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲେ। ମୀନକେତନ ସାର୍ କହିଲେ କି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅମଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ମନା କରିବ କି ତୁମେ ଖାଇବନି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ ମନା କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଖାଇଲେ ଅମଲେଟ୍, ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ ଖାଇଲେ। ତ ତାପରେ ଭାଇ ବର୍ଷା ନିଜ ଘରକୁ ମାନେ ଡେଲି ତାଙ୍କ ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରକୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ କଫି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଲା, ମାନେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଥାଏ ଆଉ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ପାର୍କସ୍ ଆସୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ତ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ରିଅଲ୍ କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ରିଅଲ୍ କାହାଣୀ ମୋର ମାନେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଆସିଛି। ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କର ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ, ତାଙ୍କର ମଜବୁରୀ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 4 ମାସ ନା କେତେ ମାସରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ରିଲିଫ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ବାହାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ବାହା ହେଇଯା ସମ୍ବିତକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ୍ବିତ ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାପରେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଯେ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଅନୁଭବକୁ। ତାପରେ ସେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅସ୍କାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବିନି, ତ ବହୁତ ହି ଟେନସନ୍ ହେଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ବି ସେମାନେ ପାସ୍ କଲେ। ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାପରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଅନୁଭବ ଭାଇ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗିଲେ, ତାର ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତା ମାଆ ତୁମକୁ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଗାଳି କଲ, ତାର ଆଜି ଚାକିରି ଲାଗିଛି ତୁମେ କାହିଁକି ଗାଳି କଲ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରାଗେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଭଲ ବିହେଭ୍ କରିବି, ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି ବୋଲି ବାପା ବଦଳିଗଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ଆପଣ ଫିଲ୍ ହେବ କି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପିଓର ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଥିଏଟର୍ରେ ଦେଖିବେ ନା ତ ରିଆଲିଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଇମୋସନାଲ୍ ଫିଲ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭାଇ। ତାପରେ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ମାନେ ଅନୁଭବ ଭାଇ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କେବେ, ସିଡ଼ି ପାଖରେ ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ରୋମାନ୍ସ ଟିକେ କରୁଥିଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ମାନେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଚିକୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୀତି ମାନେ ରୋମାନ୍ସ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, ନେକ୍ସଟ ଡେ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି କେଉଁଠି, ମାନେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଲେ, ତାପରେ ଘର ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଆଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଆଈ ସହିତ
ତ ଆମ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି ତୁ ତୋ ଆଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯା। ଆଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ କାର୍ରେ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଘରୁ ଦୌଡ଼ିକି ମାନେ ବାହାରେ ବାହା ହେଇଯିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ। ତ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ, ହୋଟେଲକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ ହେଲା, ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ଭାଇ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ପରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ହେଲା, ତୁ କେ ସେଇ ସପନ ପରି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜୁଛି, ତୁ କେ ସେଇ ସପନ ପରି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଗୀତଟା ବାଜିଲା, ତାର ଭାଇ ବହୁତ ହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା, ଆଗକୁ ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବସିଲେ, ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସେ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଛି, ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୀନକେତନ ସାର୍ ଆସିକି ମାନେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେହୁରାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ତ ସିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସମ୍ବିତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୀନକେତନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ସେ ମାନେ ଚେତା ତାଙ୍କର ଫେରି ପାଇଲେ, ମାନେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ସମିତ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ସେଠିକି ଗଲେ, ସେ ବାହାଘର ମାନେ ଭିତରେ ପଶିକି ଫାଇଟିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିକି ମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଶୁଣିକି ବାଡ଼ିଲା ପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ତାପରେ ଫେର ସମ୍ବିତ ବହୁତ ହି ବାଡ଼େଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲା। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଠରେ ଅନୁଭବ, ଉଠରେ ପୁଅ, ଉଠ ଉଠରେ ଚିକୁ ଉଠ। ତାପରେ ସେଥିରେ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ତାପରେ ଉଠିଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ। ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଗଜବ କା ଲଜିକ୍, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ, ମାନେ କ'ଣ କହିବା। ତାର ଭାଇ ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାପରେ ଫେର ଫାଇଟିଂ କଲେ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଭାଇ ବର୍ଷାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବକୁ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ମାନେ ସଠିକ୍ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ହିଁ ତୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଇଏ ହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିପାରିବ ଜୀବନସାରା ଚାଲିପାରିବ, ଇଏ ହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ତୋ ହାତ ଧରିକି ମାନେ ଚାଲିବ ଜୀବନସାରା ଚାଲିବ। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ସେଠି ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସମରି ଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଲୁ ସମରାଇଜ୍ କଲୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶିଷ ଓଡ଼ିଆ ରିଭ୍ୟୁକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଶିଷ ଓଡ଼ିଆ ରିଭ୍ୟୁକୁ ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲବିଦା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କ ଜନନୀ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।